जैन समाज के प्रवीण जैन ने मिसाल पेश की। लॉकडाउन में गरीब परिवार को दिया हलवा पूरी। देपालपुर में जैन समाज के वरिष्ठ समाज सेवी प्रवीण जैन ने बताया कि नगर के बीचों बीच जैन समाज का एक भव्य मंदिर बनाया है, जिसका वार्षिक उत्सव होना था, लेकिन लॉकडाउन के चलते यह आयोजन नहीं हो पाया। लेकिन कई गरीब परिवारों के लिए अपने खर्च पर हलवा व मसाला पूरी गरीबों को दी, ताकि गरीबों को लॉकडाउन में कुछ राहत मिल सके। जैन मुनि महाराज ने कहा कि संकट की इस घड़ी में देश हित सोचना चाहिए, ताकि सभी का सहयोग हो सके। सबको कुछ ऐसा करते रहना चाहिए कि सबको राहत की सामग्री, खान पान की सामग्री मिल सके। बाइट जैन समाज, बाइट जय आहूजा। महान जैन धर्म का स्थापक समर भगन महावीर परमात्मा का आज 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म की प्रेरणा करके अहिंसा का संदेश दिया है। जीव और जीने लो, सर्व जीव जीवन की इच्छा रहता है, किसी को मन की इच्छा नहीं। सर्व जगत को शांति मिले, सर्व जगत अपना धर्म करके जीवन को धन्य बनाओ, ऐसे भगवान महावीर परमात्मा ने आज के दिन सर्व उपदेश देने की स्थापना की है। आज महात्मा महान दिन है। आज हमारे यहाँ महावीर स्वामी का जो मंदिर है उनकी प्रतिष्ठा दिन है। आज हमारे सर्वश्रेष्ठ गंधर्व भगवान गौतम स्वामी का आज दीक्षा दिन है। 4400 व्यक्ति ने आज दीक्षा लेकर के महान में महान जैन धर्म का बहुत सुंदर संदेश दिया था। हमारे मुनि श्री पद्मा भी आज दीक्षा दिन है, और इसलिए आज हमारे नेपालपुर नगर में सैकड़ों श्रावक लोग आज चारित्र धर्म की आराधना को सामायिकता प्रतिष्ठान करके जीवन को धन्य बनाएंगे और हिंसा का पालन करेंगे। सर्वश्रेष्ठ अहिंसा है, हिंसा परमो धर्म, इसकी देशना सभी लिए ये महत्व। देपालपुर में एक मंदिर बना था पिछले वर्ष बड़ नीचे महावीर स्वामी जी का, उसका वार्षिकोत्सव था, ध्वजारोहण था। हर साल इस कार्यक्रम में स्वामी वात्सल्य कार्यक्रम होता है, सभी लोगों को बुला के भोजन कराते हैं, पर यह लॉकडाउन में संभव नहीं था, इसलिए परिवार ने यह फैसला किया कि इस संकट की घड़ी में हम यह स्वामी वात्सल्य भोजन हम गरीब परिवारों को कराएंगे। और इन्होंने पूरी और हलवा गरीब परिवारों के लिए बनवाया है, और लगभग 2000 परिवारों के लिए यह भोजन सामग्री बनकर तैयार और बट रही है।